नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती थी। भारत के आज़ाद होने के बाद भी नेताओं ने इसको अपना हथियार बना रखा है। वो धर्म के आधार पर लोगों के भाईचारे में जो जहर घोलते हैं वो हमारे देश को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। जब भी चुनाव आता है नेता लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि जिसके परिणाम के तौर पर आप बंगाल में हुई हिंसा या दिल्ली में चुनाव के बाद एक विधायक के काफिले पर हुए हमले के रूप में देख चुके हैं। जब भी चुनाव आता है सारी पार्टियों को अपना धर्म याद आता है, लोगों में नफरत पैदा करते हैं, किसी धर्म विशेष के खिलाफ वोट मांगते हैं। उसके बाद जो होता है उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखा आपने, धर्म के आधार पर सिर्फ हमें लड़ाया जाता है। कहीं से भी वोट की उम्मीद दिखे तो नेता वहीं जा सकते हैं। अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों के लोगों के नेताओं की बातों में ना आकर मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। धर्म की बात करने वाले नेताओं के विरोध कर प्यार से रहने की बात करनी चाहिए। यही हमारे देश की आज़ादी और बलिदान देने वाले भारत माँ के सपूतों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट का ऑप्शन ज़रूर दबाएं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी वीडियो के साथ साथ अपडेट हो जाएं। धन्यवाद।